जैसे डेथ पेनल्टी की अपन ने बात करी, आपको पता होगा डेथ पेनल्टी जनरल नॉर्म नहीं होगा। ये माना जाता है या माना गया है कि जो डेथ पेनल्टी है ये कोई जनरल नॉर्म नहीं है, ये एक्सेप्शनली दिया जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी देनी है, इट शुड नॉट बी दी जनरल नॉर्म। कौन से केस में ये कहा गया था कि एक्सेप्शनल केसेस में ही डेथ पेनल्टी देनी है, बता सकते हैं आप? दो तीन केसेस हैं इधर इंपॉर्टेंट, उनको जरूर नोट डाउन करिए जो इससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, बच्चन सिंह, करेक्ट 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 मनोज, बच्चन सिंह। सो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, इसमें कहा गया था कि डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर एक मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है 1983, जिसमें सेक्शन 303 की बात है, लाइव कन्विक्ट को अलग ट्रीटमेंट था। खैर इसकी बात मैं वहीं कर लूंगा जब 303 पे आऊंगा, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। अभी आप बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लिखिए, 1980 की डेथ सेंटेंस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस में ही दिया जाएगा। अब इस डेथ सेंटेंस से रिलेटेड एक दो केसेस और हैं। ये केसेस क्या है डेथ सेंटेंस से रिलेटेड, थोड़ा उसका कंटेक्स्ट समझ लेना। कई बार क्या होता है ना, एक व्यक्ति को, एक अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस सुना तो दिया गया लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत डिले हो रहा है। अब देखिए यहां तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कन्विक्टेड व्यक्ति के पास भी ये पावर है कि वो अप्लाई कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे पनिशमेंट को कम या खत्म कर दिया जाए, प्रेसिडेंट के पास जा सकता है ना, वो ये सारी मर्सी पिटीशन जिसको कहते हैं, ये ऑप्शंस उसके पास हैं। अब एक सवाल ये आता है कि कई बार पनिशमेंट आपने डेथ सेंटेंस किसी को सुना तो दिया बट उसका एग्जीक्यूशन काफी देर में हो रहा है, काफी डिले हो रहा है उसके एग्जीक्यूशन में। व्यक्ति इस उसमें 2 साल जेल में रह लिया है, 3 साल जेल में, कि पता नहीं मुझे कब फांसी हो जाए। तो इस पे थ्योरी ये है कि भाई ये माना जाता है कि आप इस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो इनह्यूमन, कि वो रोज सुबह यही सोच के उठ रहा है कि पता नहीं आज के बाद मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। तो अगर अननेसेसरी डिले हो गया है तो एक एस्पेक्ट ये आता है कि आप उसकी डेथ पेनल्टी आप खत्म करके उसको भैया इंप्रिजनमेंट दे दो यार, भले उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो लेकिन उसकी डेथ पेनल्टी अब आप खत्म कर दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बहुत मारा है, वो रोज मर रहा है, वो रोज यही सोच के उठ रहा है कि पता नहीं आज फांसी होगी कब, कि मुझे कल लटका दिया जाएगा। तो ये एक इशू है जिसको रेज किया गया कई सारे केसेस में। सवाल ये था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन में डिले हुआ है, क्या ये डिले अपने आप में उसे एंटाइटल करता है ये मांग करने की अब मेरा पनिशमेंट चेंज कर दिया जाए, डेथ की जगह मुझे इंप्रिजनमेंट दे दिया जाए? क्या ये ऑटोमेटिकली एंटाइटल कर देगा एक कन्विक्टेड व्यक्ति को अगर अननेसेसरी डिले हुआ है तो? तो इससे रिलेटेड केस है, उनको जरा आप लिख लीजिए। सबसे पहले नाम लिखिए केस का, शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। और इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई साहब अगर डिले हुआ है, 2 साल से ज्यादा का डिले भी हुआ है अगर आपके डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन में, तो भी ये अपने आप में आपको कोई अधिकार नहीं देगा कि आप अपना पनिशमेंट जो है वो कम करवाने के लिए एंटाइटल्ड हो गए हैं, ऐसा नहीं होगा। भले ही 2 साल से ज्यादा का भी डिले हुआ है तब भी आपको ये एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लेकिन अब इससे रिलेटेड और भी ऐसे केसेस थे जिनमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आए। ठीक, एक जजमेंट का नाम लिखिए, टीवी, इसको मैं लिख ही देता हूं क्योंकि ये काफी स्पेलिंग जो है इसकी, तो एक केस का नाम है टीवी वतीश्वरन, टीवी वतीश्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, टीवी वतीश्वरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज 1983। That is 1983 again. अब इसमें दूसरा कॉन्ट्ररी ओपिनियन दे दिया, शेर सिंह में बोला कि वो अपने आप में इंटाइटल नहीं करेगा लेकिन इस केस में बोल दिया कि
कि भैया क्योंकि आपके केस में अननेसेसरी डिले हुआ है एग्जीक्यूशन में, तो आप इंटाइटल्ड हो गए हैं क्या लेने के लिए, इसके बदले में दूसरा पनिशमेंट। तो यहां ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन आ गया, अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि साहब असली पोजीशन होगी क्या, क्या सच माने हम। तो इसके चार पांच केसेस के बाद एक इंपॉर्टेंट केस आया था, त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अगला केस है इससे रिलेटेड, त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1989। इस त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में 5 जजेस बेंच ने यह कहा कि भले ही अननेसेसरी सॉरी भले ही प्रोलोंग डिले हो गया हो, कि एक लंबा डिले हो गया हो भले ही आपके एग्जीक्यूशन में, लेकिन ये डिले ऑटोमेटिकली आपको एंटाइटल्ड नहीं करता अपने पनिशमेंट को चेंज करवाने के लिए। अगर एक लंबा डिले भी आपके एग्जीक्यूशन में हो गया है तो आपके उस डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट करवाने के लिए ये अपने आप में सफिशियंट ग्राउंड नहीं है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे आप उसको कन्वर्ट करा लेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक सफिशियंट ग्राउंड नहीं बनेगा। ये 5 जजेस बेंच ने त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये बात बोली। ठीक, लेकिन इसके बाद फिर एक केस और आया, दैट इज जीबी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक केस और लिख लीजिए, जीबी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जीबी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दिस इज 2005, 2005 का केस है, दिस इज 2005। और इसमें कोर्ट ने कहा कि वो बात तो ठीक है कि जो आपके केस में मान लीजिए डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करने में जो डिले हुआ है वो अपने आप में ग्राउंड तो नहीं बनेगा, लेकिन कोर्ट सर्कमस्टांसेस एग्जामिन करेगा कि डिले आपका किस कारण से हुआ। अगर अनरीजनेबल अनजस्टिफाइड डिले है, इन दैट केस आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप अपनी डेथ सेंटेंस को इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर दें। कहने का मतलब इस केस में बेसिकली ये कर दिया था कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस केस की देखी जाएंगी और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि आप एंटाइटल्ड हैं या नहीं। बात वही है कि आप ऑटोमेटिकली इस बात से, जस्ट बिकॉज कि आपका एग्जीक्यूशन डिले हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप एंटाइटल्ड नहीं होंगे। सो दीज आर द फ्यू केसेस विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। इसके अलावा कुछ केसेस और हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे लाइफ इंप्रिजनमेंट को लेके एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है। क्या ये 14 साल का कारावास होता है? जब किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है, डज इट मीन 14 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट और डज इट मीन 20 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट? क्या ये 14 साल है ड्यूरेशन लाइफ इंप्रिजनमेंट की, या क्या ये 20 साल है, या फिर टिल द डेथ ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन है, कि जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है तब तक वो जेल में रहेगा। नेचुरल लाइफ क्या सच्चाई है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की? सो द करेक्ट आंसर इज करेक्ट, यश। नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केस का नाम लिख लीजिए, नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, इसमें कहा गया था कि जो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो टिल दी नेचुरल लाइफ है, जब तक नेचुरल लाइफ खत्म नहीं होगी जिंदगी भर आपको रहना है। 14, 20 ये सब करेक्ट नहीं है, ये सब मिथ आए कहां से, 14 साल वाला कहां से जनरेट हुआ ये कंफ्यूजन, वो आपका 55 से चालू हुआ, क्योंकि वो कम्यूटेशन की बात करता है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के, कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को अगर आप कम्यूट कर रहे हैं तो 14 साल से ज्यादा नहीं देना है। ये है वो कॉन्सेप्ट कि किसी को ऑलरेडी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला है और उसे अगर सरकार कम्यूट कर रही है तो 14 साल से ज्यादा नहीं देना है, ये वो कॉन्सेप्ट है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब 14 साल नहीं है। 20 साल का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो इसके लिए आप देखिए जरा सेक्शन 57, सीधे आ जाइए 57 पे। इसके बाद ये 20 साल का कॉन्सेप्ट कहां से आया कि क्या लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब 20 साल जेल में रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 57 देखिए, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ शाल बी रिकॉर्ड एज, अंडरलाइन कर लीजिए, इक्विवेलेंट टू इंप्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। तो लिखा है लाइफ इंप्रिजनमेंट को 20 साल माना तो जाएगा,
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 20 साल माना लग जाएगा, लेकिन ये 20 साल आपको कब मानना है, जब आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े। जैसे आप अटेम्प्ट पढ़ेंगे 511 में, तो लिखा है कि एक्सप्रेसली अगर अटेम्प्ट को पनिश करने के लिए आईपीसी में किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट को पनिश करने के लिए अलग से प्रोविजन अगर नहीं दिया है, जैसे मर्डर के लिए आप देखेंगे अटेम्प्ट टू मर्डर अलग से दिया, उसका पनिशमेंट दिया है, लेकिन थेफ्ट की अगर अपन बात करें तो थेफ्ट का पनिशमेंट तो दिया है एक सेक्शन में, लेकिन थेफ्ट के अटेम्प्ट का पनिशमेंट अलग से नहीं दिया, तो वहां कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, 511। और वो ये कहता है कि जहां अटेम्प्ट का अलग से पनिशमेंट नहीं है किसी ऑफेंस से, उस केस में अटेम्प्ट के केस में हाफ पनिशमेंट दिया जा सकता है। जो ओरिजिनल ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, ओरिजिनल ऑफेंस का जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है उसका आधा, कई बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी 1/4। अभी इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे ऐसी चीजें जहां आपको यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड है उसका 1/4 कितना है। तो अगर आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, आपको हाफ कैलकुलेट करना है, आपको 1/4 कैलकुलेट करना है, तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ से कैसे कैलकुलेट करोगे? हर व्यक्ति की जिंदगी अलग है, आप कुछ ज्यादा साल जिएंगे, मैं कुछ अलग साल जीऊंगा, सबका नंबर अलग है, वो तो डिटरमाइन हो नहीं सकता। ऐसे केसेस के लिए ये कर दिया गया है कि जहां भी आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है वहां आप लाइफ इंप्रिजनमेंट को 20 साल रिकॉर्ड कर सकते हैं, 20 साल मान के करेंगे। अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट का हाफ कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 10 ईयर्स, अगर आपको 1/4 कैलकुलेट करना है देन इट विल बी 5 ईयर्स। दैट्स व्हाट 57(7) सेज। और यहां से ये कंफ्यूजन आया 20 साल वाला कि क्या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब 20 साल होता है, तो नहीं भैया, वहां तो नेचुरल डेथ होता है, जब तक जिंदा है तब तक आपको जेल में रहना है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। और इसीलिए ये कहा जाता है कि लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं अच्छे सोर्सेज यूज करिए। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट से रिलेटेड बहुत मिथ है कॉमन मैन के एग्जाम के दिमाग में। कोई कहता है कि इंप्रिजनमेंट जब मिलता है जेल में, रात अलग एक दिन कैलकुलेट होती है, दिन अलग कैलकुलेट होता है, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप सोर्सेज अच्छे इस्तेमाल करें लॉ पढ़ने के लिए हमेशा, भले ही आप लॉ के स्टूडेंट हो या ना हो। बस स्टैंड पे किताब मिलती है ना, अपना वकील खुद बने, उसमें ये सब बातें रहती हैं कि रात अलग दिन अलग, सब ऐसा है नहीं कुछ भी। ठीक।